भी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, जैसे दिन का रात होना, मौसम बदलना, बारिश होना, बादलों का बनना और बहुत सारी घटनाएं। लेकिन हमारी प्रकृति बहुत विशाल और अनोखी है और इसीलिए हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके होने का कारण आज तक कोई समझ नहीं पाया है। फैक्ट या फिक्शन में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में। ज़ांगे डैंगसियन नेशनल जियोलॉजिकल पार्क चाइना में है और ये पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर रंग बिरंगी पहाड़ियां हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले खनिजों के इकट्ठा होने के कारण यहाँ की पहाड़ियाँ रंग बिरंगी हो गईं। दिखने में आर्टिफिशियल लगने वाली ये पहाड़ियाँ बहुत ही शानदार, खूबसूरत और प्राकृतिक हैं। सन 2005 में ज़ांगे डैंगसिया को चीन में सबसे सुंदर डैंगसिया लैंडफॉर्म क्षेत्रों के रूप में माना जाने लगा। चीन की राष्ट्रीय भूगोल पत्रिका 6 सबसे सुंदर आकृतियों में इस स्थान को भी जगह मिली। ज़ांगे डैंगसिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क एक पर्यटक स्थल है और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक इन पहाड़ियों को देखने आते हैं। सन डॉग्स एक ऐसा दृश्य है जो ठंड में दिखाई देता है। इस दृश्य में सूर्य एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिखाई देते हैं। सन डॉग्स की आकृति बनने पर सूर्य के दोनों तरफ 2 सूर्य जैसे गोले दिखाई देते हैं और दूर से देखने पर वो 3 सूर्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये नज़ारा इसलिए दिखाई देता है जब रोशनी बर्फ के क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है, तब ये नज़ारा देखने को मिलता है। थाली के आकार के 2-2 सूरज असली सूरज के दोनों तरफ दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सूरज क्षितिज के बेहद करीब होता है तब सन डॉग्स का सबसे सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। पिंक झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में समुन्दर के किनारे पर स्थित है और ये झील इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका पानी गुलाबी दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं जो इसके पानी को गुलाबी बना देते हैं। लोग इसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखते हैं। झील का पानी बिल्कुल खारा है लेकिन जहरीला नहीं है। लोग इसके अंदर भी तैरते हैं और हर साल लाखों करोड़ों पर्यटक इस आकर्षक झील को देखने आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी ट्यूब आकार के बादल होते हैं जो कभी कभी दुनिया के विभिन्न स्थानों में दिखाई देते हैं। ये बादल आसमान में बहुत ही शानदार नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। इन बादलों को देखकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट ये मानते हैं कि ये आसमान में हाईवे की तरह दिखाई देते हैं और ये बादल छोटे छोटे नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक फैले रहते हैं। वैसे तो ये बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में ही दिखाई देते हैं, मगर अक्सर ऑस्ट्रेलिया में ये बादल सुबह के वक्त दिखाई देते हैं जिसके कारण इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी रखा गया है। इन बादलों के बनने का कोई स्पष्ट कारण आज तक नहीं पता चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाराखड़ी और पेनिनसुला के बीच जो समुद्री हवाएं चलती हैं उनमें घुमावों की वजह से इस तरह के बादल बनते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट या फिक्शन।